प्रधानमंत्री जी, आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर जरूरत है और पूरे देश में जरूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है और जाति आधारित गणना को लेकर जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। और ऐसे में अब जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप भी लगाए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की जब बात की बारी आती है तो आखिर प्रधानमंत्री आरएसएस के चंगुल से क्यों नहीं बाहर निकल पड़ते हैं। और साथ ही साथ कई गंभीर आरोप लगाते भी मनोज झा दिख रहे हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। लोक विमर्श में फौरी तौर पर आनी चाहिए। आज जो बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ उसमें गुनहगार कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, छोटी मोटी संस्था नहीं है। सबसे बड़े गुनहगार इस देश का प्रधानमंत्री कार्यालय है, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं। साथियों, आपको स्मरण होगा, इससे पूर्व की हम लोग सरकार में शामिल हुए थे, पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी, आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए और बिहार में तो इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, अक्सर पिछड़ों और दलितों के सबलीकरण के मसले पर प्रधानमंत्री जी आरएसएस के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, उस व्यवस्था उस ढांचे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, वो चुप रहे। लेकिन बिहार की जनता के दबाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए, इस राज्य में होना चाहिए। दो चीजें मैं आपके समक्ष रखता हूं। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने, बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3,743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी, आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था, वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था, एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। बिहार ने उस दिशा में पहल की और पहल मजबूती से की। भाजपा के हमारे साथियों को रिलक्टेंस था, बेबसी में ही सही ऑल पार्टी मीटिंग में वो आए, उन्होंने एकाध ऐसी बातें की जो मैं यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके उनके अंतर विरोधों के ये कारवां चल पड़ा, लगभग आंकड़े पूरे हो गए। अब मैं आपको इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताता हूँ। एक इंडिविजुअल पिटिशनर जाता है, एक संस्था जाती है जिसको कहते हैं हम यूथ फॉर इक्वालिटी। यूथ फॉर इक्वालिटी इज एक्चुअली यूथ फॉर इनइक्वालिटी। समता मूलक समाज की अवधारणा से ये मीलों दूर हैं।
आप इनके बारे में थोड़ा गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आरक्षण को लेकर के कितनी अशोभनीय टिप्पणियां करती है। अब वो संस्था जब जाती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट में, जब वेकेशन से पहले एक इंटरिम सा स्टे था, मिठाइयां बांटी गई भाजपा कार्यालय में। ये मिठाइयां किसके आंसुओं पर आप बंटवा रहे थे? पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग। आप एक तरफ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर माला चढ़ाते हैं और उनकी बात को आत्मसात नहीं करना चाहते, उनकी बातें आपको चुभती हैं, तो मिठाइयां आपने बांटी। चलिए, हमने कलेजे पे पत्थर रख लिया। फिर हाईकोर्ट ने वो जो इंटरिम था उसको हटा करके पूरी कार्रवाई पूरी हो गई। अब एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके साथ यूथ फॉर इक्वालिटी खड़ी होती है, और यकीन मानिए उस दिन बहुत बड़ा झटका लगा जब मुकुल रोहतगी इसमें पैरवी करने पहुंच गए। मुकुल रोहतगी कौन है? इस देश के लीगल लुमिनरी होने के अलावा इस सरकार में, क्योंकि लीगल कामकाज को देख रहे थे, कभी इस भूमिका में कभी उस भूमिका में, उसको उनको किसने खड़ा किया? क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत है? क्या यह हमें स्पष्ट नहीं है कि येन केन प्रकारेन प्रधानमंत्री कार्यालय चाह रहा था कि चादर के पीछे पहले मुकुल रोहतगी को खड़ा करो, फिर वो उनकी बात नहीं मानी गई। कौन आया पता है आपको? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल का मंतव्य और वक्तव्य सरकार का मंतव्य और वक्तव्य होता है। अगर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में आकर के एफिडेविट देने की बात करते हैं और इसके वैधानिक पहलुओं पर बात करने की कोशिश करते हैं तो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, आप दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ये फैसले करवा रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में खड़े हों और जन आकांक्षाओं की ये जो बड़ी लंबी लकीर खींची जा रही है बिहार में, उसको कुंद करें। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। ये समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपना अधिकार चाहता है। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी हैं, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। सरकार का काम सिर्फ झुनझुना बजाना नहीं होता है, सरकार का काम सिर्फ नाम बदलना नहीं होता है। आज इस शहर का नाम बदल दिया, कल उस शहर का नाम बदल दिया, कल चांद पे कोई नाम रख दिया। सरकार का काम, काम की जो आपकी प्रतिबद्धता है उसको बदलने की कोशिश। आप ये जो कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तुषार मेहता से आप गुनाह करवा रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल से, लेकिन पीछे खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, क्योंकि उनको पता है इस उभार को वो संभाल नहीं पाएंगे। अभी 28 अगस्त की भी पूरी टिप्पणी आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि बिहार बीजेपी, आपकी कौन सी मजबूरी है? आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में थे, आप अपने प्रधानमंत्री जी को अपने नेता को संकेत नहीं दे सकते कि पिछड़ों की आबादी पर हकमारी जो करने की कोशिश हो रही है, अब तो मैं बैकडोर भी नहीं कहूंगा, फ्रंट डोर से आप डकैती डाल रहे हैं, फ्रंट डोर से आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कार्यशैली को बदलिए, अन्यथा आपको बदल दिया जाएगा। आम आवाम बहुत परेशान है, मैं बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं। हर जाति का अवलोकन होगा, हर जाति की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां जानी जाएंगी, और एक बार अगर वो दस्तावेज होगा, वो दस्तावेज हमारे कार्यशैली का आधार होगा, हमारे बजट का आधार होगा, हमारी नीतियों का आधार होगा। क्या आप नहीं चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या गृह मंत्री जी आप ये नहीं चाहते हैं? ये गांधी अंबेडकर का देश है, ये अधिकार लेना जानता है, और आपको ये चुनौती दी जा रही है। ये सिर्फ बिहार की चुनौती नहीं है, इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जातिगत जनगणना और राज्यों में जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में। इस उभार को आप नहीं रोक पाइएगा। आप सैकड़ा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े कर लीजिए।
ये परिपाटी खत्म होगी और ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स खत्म होगी। मेरा आप लोगों के माध्यम से सीधा संदेश देना था, किसी ऐरे गैरे को नहीं। बिहार बीजेपी की मजबूरियां मैं जानता हूं, बिहार बीजेपी जुबान नहीं खोल सकती, लेकिन बिहार के लोग तो जुबान खोल सकते हैं। बिहार के लोग तो अपने प्रधानमंत्री जी से कह सकते हैं कि बिठाइए तुषार मेहता को, वो जो उनके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति संविधान की रवायतों को कत्ल करने का काम कर रही है, कुंद करने का काम कर रही है। ये एक छोटी सी टिप्पणी आपके माध्यम से हम भेजना चाहते थे। अगर आपके कोई तभी आपने देखा जो राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जाति आधारित गणना को लेकर कई आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ पीएमओ पर भी सवाल खड़ा करते दिख रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जब पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के हक की जब बात आती है तो आखिर जो आरएसएस के चंगुल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बाहर निकल पाते हैं। और भी क्या कुछ कहना था मनोज झा का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।